साथियों नमस्कार, पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। एक छोटे से अंतराल में सिर्फ हम लोग समझेंगे कि ई शिक्षा कोर्स ऐप में क्या तब्दीलियां की गई है, आप इसे किस प्रकार से प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ई शिक्षा कोर्स ऐप, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्ले स्टोर को आप ओपन करेंगे और इस पार्ट को देखिए, ये जो भाग है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पुनः ये जो सर्च ऐप है यहाँ जाएंगे, इसको टच करने के बाद आपको सिर्फ लिखना है ई शिक्षा कोर्स ऐप। देखिए नीचे आ चुका है इस पार्ट को, इसको टच कीजिए, आ गया। अब मैंने तो अपडेट कर रखा है नए वर्जन को। यदि आप पहली बार इसे करेंगे तो यहाँ पे ये जो ओपन लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ मिलेगा अपडेट। उम्मीद है सभी लोग कर ही लिए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग यदि नहीं किए हैं, कुछ शिक्षक नहीं किए हैं, तो ज़रूर इसको कर लेंगे। अब इसे आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा, ऐसा मिलेगा। चलिए वहाँ पे दिखाते हैं। कुछ पार्ट्स को मैंने पहले से ही सेव करके रखा हूँ, यह देखिए फिर इसी प्रकार से मिलेगा जैसा पहले आपको मिला था। वेलकम, इस पार्ट में जिसे मैंने हाइड करके रखा हूँ, यहाँ पे नाम रहेगा, मेरा ही नाम है कृष्णानंद सिंह, उसके बाद विद्यालय का नाम यहाँ पे डाला हुआ है। मार्क अटेंडेंस अपलोड सेव डाटा है, मार्क अटेंडेंस को आप टच करते थे, उसके बाद सारी प्रक्रिया को पूरी करते थे। चलिए अब हम लोग नए वर्जन में चलते हैं, या नया वर्जन आ चुका है, इसे आप मार्क अटेंडेंस करेंगे जो ही यहाँ पे टच करेंगे, उसके बाद आपके पास है ऐसा प्राप्त होगा इस तरह से। इसमें देखिए नई तब्दीलियां हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है कृष्णानंद सिंह, आपके आईडी में आपका नाम लिखा रहेगा, उसके बाद टीचर आईडी यहाँ पे दिया हुआ, पहले ये नहीं था, तो नई दो तब्दीलियां हुई, टीचर नेम, टीचर आईडी, उसके बाद विद्यालय का लोकेशन में नई तब्दीली है, स्कूल का यूडाइस कोड, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे रहेगा, और एक नई महत्वपूर्ण तब्दीलियाँ है सेशन एक्सपायरिंग, इसका टाइमिंग 3 मिनट निर्धारित किया गया, रिवर्स में चलेगा जो ही आप ऐप को स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस के लिए जो ही आप ऐप को टच करेंगे तो 3 मिनट का जो टाइम दिया गया है वह रिवर्स में जाते जाते 0 पर होगा, इसके पहले ही आपको अटेंडेंस बना लेना है, अन्यथा की स्थिति में ऐप लॉक हो जाएगा। अब यह जो टाइमिंग है, आप यह नहीं सोचिएगा कि 3 मिनट के बाद फिर ऐप मेरा नहीं खुलेगा, ऐसा क्या, तो वैसी कोई बात नहीं है। पुनः आप नए प्रक्रिया से ऐप को टच करेंगे, यानी कि सेल्फ अटेंडेंस के लिए, तो पुनः आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा सेशन एक्सपायरिंग का, और उसी 3 मिनट काफ़ी समय होता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पार्ट को देखें, स्कूल इन टाइम, इसको टच करेंगे, उसके बाद फ़ोटो का ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद फ़ोटो सेव कीजिएगा, फिर आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। अब आगे कुछ बढ़ते हैं, यह प्रारंभिक दौर था, इस पार्ट को देखे थे, उसके बाद इसमें देखिए यह इसको तो हम लोग समझ चुके हैं, उसके बाद विद्यालय का यूडाइस वगैरह। अब मुख्य रूप से कार्यावधि प्रारंभ जो 8:50 में की गई है, यहीं पे टच करने के लिए मैंने कहा था। हाजिरी दर्ज होगी, उसके बाद आपके स्क्रीन पे सेव होने का यहाँ पे इस पार्ट में दिखेगा कि आपका डाटा सेव हो चुका है, उसके बाद स्कूल आउट होने का यह दिखेगा यहाँ पे इस पार्ट में, जब 4:30 बजेगा उस समय आउट होंगे तो आपका यहाँ पे शो होगा। तो लगभग
इतने ही परिवर्तन फिलहाल ये जो नए अपडेट का ई शिक्षा कोर्स ऐप आया है देखने को मिला है। उसके बाद आने वाले भविष्य में हो सकता है इसमें और भी कुछ तब्दीलियां हो सकती है। इसको देख रहे हैं, पहले वाले पूर्ववत ऐप का फंक्शन था जिसमें सिर्फ विद्यालय का लोकेशन दिख रहा था, उसके बाद कार्यावधि प्रारंभ, स्कूल इन टाइम, स्कूल आउट टाइम दिख रहा था। तो मुख्य रूप से हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें जो परिवर्तन है वह टीचर नेम आ चुका है स्क्रीन पे, यानी कि उस ऐप में टीचर आईडी, सेशन एक्सपायरिंग, बस यही नए वर्जन में परिवर्तन देखने को मिला है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।